अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको ट्यूमेरिक प्लांट के बारे में बताऊंगी, यानी हल्दी के प्लांट के बारे में कि हम किस तरह इसको अपने घर में लगा सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप कहें कि सबसे आपके गार्डन में सबसे इजी तरीके से जो प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं वो ट्यूमेरिक यानी हल्दी का प्लांट है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और गर्म इलाकों में बआसानी ये लग जाता है। ये जिंजर फैमिली से इसका ताल्लुक है और इसको अपने घर में लगाना बे इंतहा आसान है। मैं कहूँगी कि ये एक ऐसा यूनिक स्पाइस है जिसको हम अपने मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल करते हैं हम, और मेडिसिनली भी अगर देखा जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके हम जो देखते हैं कैंसर में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम जो है वो कहीं जब हमें चोट लग जाती है तब उस पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उपटन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके बे इंतहा फ़ायदे हैं और इसको लगाना भी बहुत ही आसान है। हम ग्रॉसरी स्टोर जाएं वहाँ पर हमें इसके मिल जाते हैं जो ट्यूबर्स हैं, और उसको घर लाएँ और आप इसको आराम से लगा लें। इस तरह अदरक लगाते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपने ये छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, और पहले हम छोटे पॉट में लगा लेते हैं उसके बाद जो है इसको हम बड़े पॉट में लगाते हैं तो तेज़ी से ये ग्रो करता है और थोड़े ही दिनों में सारा जो आपका प्लांट होता है पॉट होता है वो उसके ट्यूबर से भर जाता है। ये पौधा जो है चूँकि समर का है इसलिए सर्दियों तक ये बढ़ता रहता है, उसके बाद जो है और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, कई तरह के फ्लावर, दो तरह के फ्लावर इसमें देखे जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप देखें मैंने किस तरह इसको लगाया है। ये इस वक्त 2 से 3 महीने का हो चुका है। ये देखें, ये इसका ट्यूबर है, ये आप ही देखें, ये देखें हल्दी का येलो कलर का है। ये यहाँ छोटे छोटे से इसके पौधे भी निकल रहे हैं, ये देखिए एक ही निकल रहा है। हम ईजिली इसको लगा लेते हैं और थोड़े ही दिनों में आप ही देखें ये निकल आता है। यह हर तरह की मिट्टी में बआसानी आप सॉइल में लग जाता है। हाँ, ये बहुत बात ख्याल रखें कि सॉइल नीचे जो है ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए। इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और जितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है उतना ही हम इसमें पानी भी डालते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, देखें आप, ये मैंने लगाया था एक लाके और मैं इसको आपको खोद के दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से ट्यूबर्स बनते हैं। इस प्लांट को 2 महीने हो चुके हैं, कम से कम 4 से 5 महीने में इसका आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें नीचे तक इसकी जड़ें आ गई हैं और ये देखें इस तरह से, ये एक प्लांट था और ये अब 2 बन गए हैं। मैं इसको सेपरेट भी कर सकती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो है ये वही हल्दी है, ट्यूमेरिक है, और इसको हम अगर देखें तो ये देखें, ये सेपरेट करके अब मैं इसको गमलों में लगा सकती हूँ 2 जगहों पे। ये एक मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें किस तरह से होता है। ये देखिए, ये मैंने एक लगाया था, ये 2 हो गए हैं, और ये देखें अब इसमें इसकी मज़ीद जो है ये जो निकल रही है रूट सारी, इससे ये तेज़ी से आप ही देखें ये मज़ीद यहाँ से अपने ट्यूबर्स निकाल रहा है। तो जब मैं इसको भी बड़े पॉट में लगाऊंगी तो ये बहुत तेज़ी से सारे अपने ट्यूबर्स फैलाएगा और पूरा पॉट जो है कुछ दिनों भर जाएगा। तो मैंने जो है इसको लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं, आप देखें अभी भी इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही है। तो आप ये समझे कि आप आसानी अपने वहाँ जाएँ ग्रॉसरी शॉप, वहाँ से आपको इस तरह के ट्यूबर्स मिलेंगे, वो आप लाएँ और इसको देख के पॉइंट पर लगा लीजिए कि कहाँ से इसका ये निकल रहा है। बस आप इसको जस्ट लाइए और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं 2 पॉट में लगा लूँगी अभी इसको और आप जस्ट लीजिए उसको इस तरह करके और ये चेक करके कि कहाँ पे ये निकल रहा है। आप इसको ऐसे रखिए और ज़्यादा इसके ऊपर मिट्टी मत डालें, पहले शुरू में थोड़ा सा इसका ना छोड़ दें आप, जैसे ये छोड़ा हुआ है मैंने ऊपर रखें, ये तो मैंने नीचे लगा दिया, मिट्टी सुख नहीं है, उसको रखिए और पानी डालें, पहले थोड़ा नॉर्मल पानी डालें उसके बाद ज़्यादा पानी डालें। तो थोड़े ही दिनों में जो है छोटा सा इसकी जो ये बनी हुई है नोनोट सी, इसमें से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। आप ये देखिए, एक मैंने लगाया था उससे एक ये हो गया, एक ये हुआ और इसमें अभी मज़ीद निकल रहे हैं और 2 महीने में तेज़ी से निकल रहा है। तो आप भी अपने घर में लाइए और इसे टर्मेरिक लगाइए, टर्मेरिक, और बहुत अच्छा लगता है। तो उतने खूबसूरत इसके प्लांट होता है, ऊपर से उतने ही ज़्यादा ये फ्रेश अपने घर में लीजिए और आप इसको ले जाएँ और इसको पीस लें, जब किसी बॉटल में रख लें, जिस तरह हम अदरक लहसुन इस्तेमाल करते हैं उसी तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ही देखें
मैं भी इसको दो पॉट में लगा दूंगी। आप भी अपने घर में लगाइए और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। तो ताज़ी ताज़ी आप अदरक घर में इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप इसको भी इस्तेमाल कीजिए। अब किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।